आपके दिस साइड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना फेसबुक अकाउंट आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। आपका अगर आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो उसको आप अनब्लॉक कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट, काफ़ी यूज़रों को समस्या होती है, किसी को आप विदाउट बर्थडे बर्थडे जन्मदिन की वजह से आप वो फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे ही मतलब कुछ अलग तरीके से ऐड फ्रेंड करते हैं, ज़्यादा ही फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको टॉप में सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिला है, तो यहाँ आपको इस वेबसाइट को टाइप कर लेना है। तो यहाँ आपको टाइप करना है फेसबुक हेल्प सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ मैंने यहाँ फेसबुक हेल्प सेंटर को टाइप करा। टाइप करने के बाद आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहां फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फेसबुक हेल्प सेंटर। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर टैप कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहां आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां आपको यहां फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट हेल्प, तो आपको इस पर टैप कर देना है। तो यहाँ मैं इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 102 बार स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको टॉप में सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है बर्थडे। अगर आपका जन्मदिन की बर्थडे की वजह से आपका बर्थडे आप भूल गए हैं, जन्मतिथि आप अपनी भूल गए हैं, उसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो आप उस तरीके से बर्थडे पर सर्च करके बर्थडे आप यहां देख सकते हैं चेंज योर बर्थडे ऑन फेसबुक ऑन चॉइस। तो आपको यहां सेलेक्ट कर लेना है, यहां फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बर्थडे की वजह से वो नहीं हुआ है तो आपको क्या करना हो, आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपका बर्थडे आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गया है तो मैं आपको वो बता दूँगा आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको नो सेलेक्ट कर देना है। नो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको द सॉल्यूशन डजंट वर्क इस तरीके से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको यहाँ मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, तो ये आप लिंक से डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बिन ब्लॉक, आई एम अनेबल टू लॉग इन माई फेसबुक अकाउंट एंड अनेबल टू अनलॉक विदाउट बर्थडे, सो प्लीज़ काइंडली चेक एंड डू द नेट फोन नेम और ईमेल आईडी आपको यहाँ मेंशन कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है इस तरीके। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से थैंक्स योर फीडबैक हेल्प इम्प्रूव दिस आंसर फॉर एवरीवन। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपका अगर बर्थडे से बर्थ जन्म आप डेट ऑफ बर्थ भूल गए हैं उससे आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो आपको यही रिपोर्ट आपको मेंशन करनी होगी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा उसे कॉपी करके आप यहाँ रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिकली वो हुआ है, आपका ब्लॉक हो चुका है लॉगिन इनटू योर अकाउंट, आपको चेंज योर पासवर्ड फिक्स है लॉगिन प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर भी आपको यहाँ आपको बैक हो जाना है, यहाँ मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद आपको स्टार्टिंग से फिर से गेट हेल्प पे आना है। गेट हेल्प पे आने के बाद आपको यहाँ नो कर देना, कोई आपको ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ आपको द सॉल्यूशन डजंट वर्क सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है, सेम वही पेस्ट करना है, उसमें आपको चेंज कर देना है कि माई फेसबुक अकाउंट हैज बिन ब्लॉक, आई एम अनेबल टू लॉग इन माई फेसबुक अकाउंट एंड अनेबल टू लॉग इन विदाउट OTP, मतलब इस तरीके से आप या विदाउट नंबर, तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो थोड़ा चेंजिंग करके आप कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे से हुआ है, बर्थडे से ब्लॉक हुआ है, तो वो आपको मैंने बता दिया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ मैं दिखा देता हूँ को सबमिट करके, तो आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुकी है, जो रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से जो आपने ईमेल आईडी मेंशन करी है उस पर आपको एक ईमेल रिसीव होगी, वो आपको लॉगिन करनी है। जैसे आप लॉगिन करेंगे और आपका अपना आईडी पासवर्ड मेंशन करना है और आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा 24 घंटे जब आपके स्पैंड वो हो जाएंगे, बीत जाएंगे, उसके बाद आपके 24 घंटे के बाद जो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।